अब फ्रेंड्स हम चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, इनवर्टेबल मैट्रिक्स जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमारे पास किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो उसका डिटरमिनेंट जो हो नॉट इक्वल टू 0 हो। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके एक से ज़्यादा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 2 इनवर्स होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। ए एंड बी आर इन्वर्टेबल टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ ए बी बराबर बी ए बराबर आई, वेयर ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यानी अगर स्क्वायर कोई ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इनवर्स है ईच अदर, एक दूसरे के, तो उस कंडीशन में ए बी बराबर बी ए बराबर आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होगा, और दोनों मैट्रिक्स जो होंगे वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और सेम ऑर्डर के होंगे। ए डॉट ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए बराबर आई, वेर ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली इसको भी हम यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पे ए बी और बी ए बी डेफिनेशन यही दे रहा है हमारे पास कि ये इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है, तो ए बी को हम सिंपली ए इन्वर्स से डिनोट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इज इन्वर्टेबल। अगर ए और बी जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, और अगर ए बी जो है वो इन्वर्टेबल हैं, तो इफ एंड ओनली इफ बोथ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। तो वो इन्वर्टेबल कब होंगे, यानी ए बी कब इन्वर्टेबल होगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब इन्वर्टेबल होगा, वो इन्वर्टेबल होगा अगर दोनों अलग अलग, यानी ए और बी दोनों अलग अलग इन्वर्टेबल होंगे, तो उसी कंडीशन में उन दोनों का मल्टीप्लाई भी इन्वर्टेबल होगा। अगर ऐसा नहीं है, ये एक इन्वर्टेबल है दूसरा इन्वर्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में उनका मल्टीप्लाई जो होगा वो भी इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इस तरह से हम सिंपली डिनोट करते हैं। यानी हम ए बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स बी इन्वर्स नहीं कर सकते, तो ए बी इन्वर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इन जनरल अगर देखें जैसे ए बी सी डॉट 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 ऐसे एक्स वाई जेड कुछ एन हमारे पास मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लाई है और उनका इनवर्स निकालना, और सभी इनवर्स पे कब निकलेगा तब सभी इन्वर्टेबल होंगे। जब उनका इनवर्स होगा तो हम पीछे की तरफ से इनवर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले जेड का इनवर्स, उसके बाद वाई का इनवर्स, उसके बाद एक्स का इनवर्स, उसके बाद जो भी एलिमेंट जो भी मैट्रिक्स आएंगे उनके इनवर्स चलते हुए जाएंगे, और सबसे लास्ट में आएंगे सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, जो बेसिकली यहाँ पे जो पहले थे इनवर्स में वो पीछे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया वेयर ए बी सी एक्स वाई जेड आर इनवर्सेबल स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इनवर्स का इनवर्स यानी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास उसका इनवर्स है हमारे पास, और फिर उस इनवर्स का भी अगर हम इनवर्स निकालें तो वही जो मैट्रिक्स जो होगा पहले वाला वही मैट्रिक्स आ जाएगा। वेयर ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो वो जो ट्रांसपोज होगा वो होगा ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर। यानी हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, उसका हम इनवर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज करें, या हम ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करें उसके बाद हम इनवर्स निकालें, सेम ही होगा। और ये हमारे पास जो कंडीशन है वो ओनली फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर ए बराबर इस तरह से हो ए बी, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में हमारे पास इसका इनवर्स जो होगा वो सिंपली पहले उसी जनरल लॉ को हम फॉलो करा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल लॉ को जब हम फॉलो कराते हैं तो वही उसी लॉ की से हम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से हम पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स जैसे ए के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स क्या होगा, इसको हटा दो इसको हटा दो तो डी, तो यहाँ पे हमारे पास डी आ गया। बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी के करस्पॉन्डिंग के लिए इस रो को हटा दो इस कॉलम को हटा दो तो बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सॉरी बी के करस्पॉन्डिंग इस रो को हटा दो और इस कॉलम को हटा दो सी, तो बी जो है हमारे पास बी ए 1 2 आएगा, तो उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए जो ये आएगा हमारे पास, तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो जो वैल्यू आएगी इसकी जो कोफैक्टर्स की वो यहाँ पे रखी जाएगी, तो यहाँ पे ये हमारे पास सी बट यहाँ पे जो है ए वन टू -1 प्लस टू वाला जो टर्म है उसका हेल्प कर लेके जो हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा था वहाँ से देख सकते हो, उसकी हेल्प से है माइनस सी। तो ये उसी का हमारे पास जनरल फॉर्म है कि यहाँ पे इजीली हम इस तरह से ए इनवर्स को डायरेक्टली इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं।